कटघरे में खड़ी एक खूबसूरत महिला से पूछा, परसों रात को तुम कहाँ थी? युवती अपने पड़ोसी के साथ रेस्तरा गई थी। वकील ने दूसरा सवाल पूछा, और कल रात को? युवती, मेरे एक दूसरे पड़ोसी के साथ। वकील ने धीरे से पूछा, और आज का तुम्हारा क्या कार्यक्रम है? दूसरा वकील चिल्लाया, ऑब्जेक्शन मिलोर्ड, यह सवाल तो मैंने पहले ही पूछ लिया है। ओ नो 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 जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है, इसकी नाक तो मुझ पे गई है। बाप बोलते हैं, इसकी आंख मुझ पे गई है। और चाचा कहते हैं, इसके बाल मुझ पे गए हैं। माँ बोलती है, इसकी स्माइल भी मुझ पे ही गई है। और वही बच्चा जवान होकर जब लड़की छेड़ता है तो सब बोलते हैं, पता नहीं हराम खोर किस पे गया है। ओ नो 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 एक आदमी ने पूछा, भैया ये रास्ता किधर जाता है? पप्पू ने कहा, ये रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है। आदमी ने फिर पूछा, वह कैसे? पप्पू बोला, इसलिए कि इस रास्ते से मेरी बारात आई थी। ओ नो 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 एक सिपाही ने मौके से थानेदार को फोन किया, जनाब यहाँ एक औरत ने अपने ही पति को गोली मार दी। थानेदार, क्यों? सिपाही, क्योंकि आदमी पोछा मारे हुए फरस पर चढ़ गया था। थानेदार, गिरफ्तार कर लिया औरत को। सिपाही, नहीं, अभी पोछा नहीं सूखा है साहब। ओ नो 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 लड़की वाले बेटी के लिए लड़का देखने गए। लड़की वाले बोले, कितना कमा लेते हो? लड़का, इस महीने 2 करोड़ कमाया। लड़की वाले, फिर क्या हुआ? लड़का, बस फिर मोबाइल में 3 पत्ती हैंग हो गया और सारी कमाई चली गई। ओ नो 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 पति से पत्नी ने पूछा, यह बताओ मूर्ख तुम हो या मैं? पति, डियर ये बात तो सभी जानते हैं कि तुम तीव्र बुद्धि की स्वामिनी हो, इसलिए कभी हो ही नहीं सकता कि तुम किसी मूर्ख से शादी करो। ओ नो 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 चिंटू, डॉक्टर कल से पेट में दर्द है। डॉक्टर, खाना कहाँ खाते हो? चिंटू, रोजाना होटल में ही खाता हूँ। डॉक्टर, अरे रोजाना होटल में खाना मत खाया करो। चिंटू, ओहो ठीक है, अब पैक करके घर ले आया करूँगा। डॉक्टर बेहोश। ओह नो 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 नो